इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप अपनी बेरोजगारी खुद ही दूर कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट आने वाली नहीं। तो अभी हमने ये खाली सिर्फ सीखने के लिए लिया है, क्योंकि हमें ये चीज़ें सीखने के लिए अच्छा लगता है। तो आज हमारा टास्क है था वेल्डिंग सीखने का था। हमने इससे पहले कभी वेल्डिंग नहीं की थी, दो तीन बार की थी तो आग दुखी थी। तो हमने अच्छा मशीन लिया है, ये चिपकता नहीं है वेल्डिंग जब मारते। ये IBL का वेल्डिंग मशीन है, IBL M220-76। ये हमने अमेजोन से लिया था समथिंग 7,000 के आसपास में, और ये बहुत ही बढ़िया, जो बिगिनर है जो सीख रहे हैं वेल्डिंग उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। दो सेटिंग है इसमें। तो पहले तो हमने ये पहले दिन ये जाड़ा वाला पट्टी ले लिया, 9 mm का बार है वो। और उसके बाद में आज ही के दिन बहुत ही जो टास्क है वो बहुत ही कठिन टास्क लिया हमने, क्योंकि ये देखो हमने अभी वेल्डिंग मारी है। तो इसको देखो, इसको ये पतला पाइप रहता है, तो इसको वेल्डिंग मारना बहुत ही मुश्किल रहता है। जो वेल्डर रहेंगे वो समझ जाएंगे कि एक के पाइप को वेल्डिंग मारना है, सवा के पाइप को वेल्डिंग मारना, क्योंकि ये पतला रहता है और इसका वेट भी कम है, तो वो जलने लगता है। तो ये मशीन इतना अच्छा है कि ये पतले पाइप को भी एडजस्ट कर लेती है। तो वेल्डिंग सीखने के लिए आपको आपके लिए ये मशीन बहुत बढ़िया है। तो अभी हम दिखाते हैं कि हम कितने, दूसरा दिन है हमारा, फटाफट से हमने कपड़े चेंज कर लिए। अच्छे कपड़ों पे वेल्डिंग मत करिएगा, क्योंकि आपके कपड़े जलते। तो फटाफट से कपड़े चेंज करके हम अभी देखते हैं कि कितना वेल्डिंग हम एक दिन में सीखे हैं। अभी सीखने वाला नहीं है, हमारा जो वेल्डर था वो लगभग 15-20 दिनों से आया नहीं है। तो अगर वो रहता तो मुझे अभी ये रॉड लगाना भी नहीं पता है, क्योंकि मेरा दूसरा ही दिन है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, अभी यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं देखी है, तो आज देखेंगे ये रॉड कैसे, इसमें ये होल्डर में कैसे रॉड लगा दिया, अभी बात पता नहीं है। तो अगर गलती हुई हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैंने, कोई वेल्डर देख रहा हो तो, कि मैंने रॉड सही लगाया, क्योंकि सही लगाया कि नहीं। तो हमारे यहाँ वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर आते, तो उससे थोड़ा थोड़ा देखते ट्राई करते, मुझे आती है कि वेल्डिंग। ये जो अभी ये जो ये इसके साथ में गॉगल भी मिला है, जो ये मशीन लिया था, बहुत ही बढ़िया गॉगल है और बिगिनर के लिए अच्छा है ये। तो अभी देखते हैं ये जॉइंट हमें आता है क्या, कि हम जला देते, जला दिया तो भी आपको दिखा दूंगा अगर, क्योंकि दूसरा ही दिन है हमारा और ये हार्ड टास्क है, एक वेल्डर रहेगा तो उसको पता रहेगा। तो अभी हम देखते हैं। ये देखो वेल्डिंग आया मेरे को अभी कैसा वेल्डिंग आया, वेल्डर कोई देख रहा है तो मुझे बता देना कैसा मैं वेल्डिंग सिखाऊं, कमेंट्स में बता देना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इतना मशीन अच्छा है, इतना तो बेसिक हमें पता था कि ये वेल्डिंग करना है ना, ऐसे चिपकाना नहीं है, थोड़ा ऊपर रखना है। ये मशीन इतना अच्छा है कि एकदम लो सेटिंग पे हमने लगाया, लगभग 21 के सेटिंग पे लगाया, और बाकी की सेटिंग तो मुझे इतनी पता नहीं, दो सेटिंग है उसमें और आर्क है वो फुल लगाया है। तो कोई वेल्डर हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या मैंने सेटिंग सही लगाई है। तो अभी हम ये साइड करते, ये चीजें सीखने के लिए, कुछ भी चीजें सीखने के लिए हमें पैशन चाहिए, हमें कुछ नया करने की लगन चाहिए, तो ये हम ये चीजें सीख सकते हो। अभी सुबह से मुझे आना था, तो घर मेरा दूर है, तो मुझे सुबह से ही लग रहा था कि मैं जाऊं वेल्डिंग सीखूं, कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाया, पर 2 बजे तक आ गया मैं, और 2 बजे के आने के बाद भी 30 किलोमीटर ये करने के बाद भी आज मेरे पास जो आराम करने के लिए टाइम था, पर ठीक है, आराम नहीं करेंगे, आराम तो हराम होता है, तो आज हम काम करेंगे, तो इसलिए हमने काम करना शुरू कर दिया। और ये गॉगल इतना बढ़िया है कि बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता, क्योंकि पहले 2 बार मैंने वेल्डिंग करने का ट्राई किया था, ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गए, 2 बार मैंने वेल्डिंग करने का ट्राई किया था, पर मुझे आया नहीं, आया थोड़ा थोड़ा, पर आँख इतनी दुखती है अगर गॉगल यूज नहीं करोगे ना अच्छा वाला, तो ये वेल्डिंग मशीन के साथ में जो गॉगल मिलता है ना बहुत बढ़िया, सादा वाला गॉगल आप यूज मत करो, आपकी आँख इतनी दुखेगी रात को तो नींद ही नहीं आती है। तो ये गॉगल से मैंने, ये देखो थोड़ा जल गया बोलते बोलते, ठीक है ट्राई करेंगे, अभी सीख रहे। इस वीडियो पे व्यूज तो आएंगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये चैनल अलग है और मैं वीडियो अलग देख रहा था डाल रहा हूँ, तो इससे व्यूज तो आए नहीं, तो उससे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर आप भी कुछ नया सीख सकते हो, ये मशीन लो आप,
तो आप ये देखो अभी तो फिनिशिंग तो आया नहीं, फिर भी वो मशीन इतना अच्छा है कि वेल्डिंग देखो आ गया बहुत ही आसान है इस, अगर ये मैं 1 महीना ऐसा वेल्डिंग सीखूँ तो मैं 100% सीख जाऊँगा। और आप भी अगर रहेंगे तो इससे इस वेल्डिंग मशीन आपको सीखने के लिए अच्छे, हर काम जिंदगी में आना चाहिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है तो वेल्डर के लिए बुलाने हमें लगता है। तो मैं आज वेल्डर से तो मैं 1 महीना तो पहले परेशान ही था, तो अभी मैंने सोचा कि नहीं अभी खुद सीखना है। ये देखो अभी ये होल हम कर सकते हैं, ये तो बहुत हार्ड टास्क है, अभी हम होल देखते होल कर सकते हैं कि ये तो हार्ड टास्क हमने कर लिया, अभी इस हार्ड टास्क का देखते हैं। अभी हम तो थोड़ा रॉड लेते हैं इसके इससे वेल्डिंग को ऐसा अटैच करने के लिए, ये हमें गलत होगा हाथ जल जाएगा, पकड़ जाए पकड़ है नहीं, ठीक है तो ऐसा ऐसे ही देखते ट्राई करते। अभी ये होल बंद कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड टास्क है मेरे लिए तो, बहुत है हार्ड टास्क है, ये वेल्डर कोई रहेगा तो इसके लिए आसान रहेगा, तो हार्ड टास्क करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो क्योंकि मैं 4 व्हीलर जो सीखा था वो भी कुछ 7-8 दिनों में, मतलब इतना ज्यादा नहीं पर लोगों से ज़्यादा जल्दी मैं चीज़ें सीख जाता हूँ, ये भगवान ने दिया हुआ मुझे वरदान ये समझो। मेरा हाथ देखो कैसे हिल रहा है इतना बढ़िया मशीन है, दूसरे दिन आदमी इतना बढ़िया वेल्डिंग कर सकते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया मशीन है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके भाई कोई रहेगा जॉब नहीं है तो अगर वेल्डिंग में आना चाहते हैं तो ये मशीन यूज कर लो, बहुत ही बढ़िया है। देखो मैंने पूरा लगभग क्लोज कर दिया, खाली चिपकाना नहीं इसको, थोड़ा सा ऊपर रखना है भाई, कितना बढ़िया मशीन है यार। मैं तो मशीन का तो ये कर नहीं रहा कि मेरा ये काम नहीं है, पर भी मैं सीख गया तो आप सीख सकते हो, मेरा वेल्डिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वेल्डिंग लगभग सीख गया, क्योंकि ये होल बंद करना बहुत ही मुश्किल था। अब जो भी वेल्डर देख रहा उसको पता होगा कि ये अभी देखो इसका भी फिनिशिंग आया नहीं, पर मैं सीख जाऊँगा 7-8 दिन में। तो हमारी प्रोग्रेस कैसी रहेगी इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें डाल दूंगा मैं। गुड बाय।